लॉन्च हुए हो चुका है बहुत ज्यादा टाइम जी, हम बहुत अरसा हो चुका है इसे लॉन्च हुए, बट आज भी ये एक बहुत अच्छा वेरियंट माना जा रहा है सैमसंग गैलेक्सी सीरीज में, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में जब ये लॉन्च हुआ था काफी ज्यादा अच्छा वेरिएशन था, और अब धीरे धीरे जैसे ही गैलेक्सी सीरीज आगे बढ़ती जा रही है, स्टिल इट्स कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट वेरिएंट, क्योंकि बेस्ट प्राइसिंग के साथ आता है, साथ ही साथ इसके फीचर्स भी क्वाइट नाइस, दे आर क्वाइट नाइस आई वुड से, कि बहुत ज्यादा अच्छे है उस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप देख रहे हैं ये उसका 360 डिग्री वर्जन, जी हाँ, इसका जो कलर है वो ही बहुत प्यारा है इस वक्त, और साथ साथ कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सा यहाँ पर लुक आता था। जी हाँ, अब सैमसंग के थोड़े से पतले फोन आ चुके हैं, बट पहले जब आते थे थोड़े से इनकी ब्रॉड स्क्रीनिंग होती थी। ये लॉन्च हुए बहुत ज्यादा टाइम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2017 का मॉडल है, जी हाँ 2017 का मॉडल है, विच is still using super almond capacitive touch screen, जी हाँ जिसकी टच स्क्रीन है वो काफी ज्यादा एडवांस थी उस टाइम पर, बहुत अच्छी थी, तो इसीलिए भी इसको अच्छा वेरियंट माना गया था। और इसका जो वेट है वो अब के टाइम के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 181 ग्राम्स है, तो काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम फ्रेम है, जबकि अब जो सैमसंग लेकर आता है काफी ज्यादा ट्राई करता है कि वो प्लास्टिक वर्क लेकर आए, बट स्टिल सैमसंग एल्यूमिनियम फ्रेम वर्क में बहुत ज्यादा अच्छा था। और इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा अच्छी बात ये है कि प्रोटेक्शन इसमें गोरिल्ला ग्लास का है, क्योंकि तब भी गोरिल्ला ग्लास बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें आपको 5.5 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि उतनी बड़ी नहीं है, इसीलिए कहा गया था कि अब जो स्क्रीन साइज आने लगे हैं वो हो गए हैं स्लिम, बट पहले जो आते थे बहुत ब्रॉड थे, तो वो बहुत ज्यादा इशू क्रिएट करते थे। हम बात करें इसके स्क्रीन टाइप की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 16M का कलराइजेशन, जो कि वर्क करता है एंड्रॉइड 7 पर। जी हाँ, ये 2017 का मॉडल है, और तब हमारे पास ऑलरेडी एंड्रॉइड 9 तक 8. समथिंग आ चुका था, 8.1 हमारे पास ऑलरेडी था, तो अब जो है इन्होंने इसको अपग्रेड कर दिया है, विच कैन अपग्रेड अप टू एंड्रॉइड 9 पाई, तो कहा जा सकता है काफी ज्यादा अच्छा ही वेरिएंट है कि एंड्रॉइड 9 पाई तक है ये अब अपग्रेड हो जाता है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज यहाँ पर है। वहीं पर आपको इसमें देखने को मिलेगा डुअल सिम स्टैंड बाय पे, वहीं पर एक आप कह सकते हैं हाइब्रिड तरह से इसका डुअल सिम है, क्योंकि माइक्रो सिम के लिए यूज किया जा सकता है, माइक्रो कार्ड के लिए यूज किया जा सकता है। इसमें आपको देखने को मिलेंगी दो ही टाइप की वेरिएशन, दैट इज 32 GB एंड 64 GB, वहीं पर 3 GB रैम कॉन्स्टेंट है, और कहा जा सकता है कि इसमें आपको इतने ज्यादा वेरिएशन क्यों नहीं देखने को मिले थे, क्योंकि इसमें तब सोचा नहीं था कि इतना कुछ अच्छा हो सकता है, बट इट वाज रियली एन अमेजिंग वर्जन आउट है, प्रूव्ड आउट टू बी वेरी अमेजिंग वर्जन आउट देयर फॉर द जे सीरीज एज वेल एज फॉर गैलेक्सी सीरीज 2। इसका जो कैमरा है, जी हाँ, इसके कैमरे की बात करते हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा सिंगल कैमरा, क्योंकि तब सिंगल कैमरा ही चल रहा था, बट इसमें आपको 13 MP का सिंगल कैमरा रेयर में, और फ्रंट में 13 MP का देखने को मिलेगा। तो ये एक चीज बहुत अच्छी जो इसमें थी वो थी कि इन्होंने सेल्फी कैमरा 13 MP रखा था, रियर तो था ही तो सेल्फी भी इन्होंने वही चीज रखी, तो वो एक अच्छा वेरिएंट यहाँ पर साबित हुआ था। वहीं पर इसमें बाकी एसेट्स कुछ ज्यादा अपग्रेडेड नहीं था, उसमें बाकी चीजें नॉर्मल थी, जैसे ब्लूटूथ भी 4.2 का था, वाईफाई कनेक्टिविटी थी, उसमें USB था, रेडियो था, 3.5 mm का जैक था, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, बट इसकी जो बैटरी लाइफ थी वो आप कह सकते काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि 3600 की बैटरी लाइफ, 3600 mAh की बैटरी लाइफ, जो कि आपको टॉक टाइम ही 24 hours, मतलब पूरा एक दिन का टॉक टाइम, और अगर स्टैंड बाय पे हो तो 91 hours, yes that was an amazing thing out है कि बहुत ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ दी थी। तो ये एक है कि अब जब ये अपग्रेड हो चुका है एंड्रॉइड 9 पे, तो काफी ज्यादा अच्छा बोल सकते थे, बट Yes, अब एंड्रॉयड बहुत ज्यादा आगे तक आ चुके हैं, तो स्टिल पीपल वुड प्रेफर कि इसमें और अगर अपग्रेडेड हो तो ये अब भी सारे प्राइसिंग के साथ, ये सारे जितने भी गैलेक्सी सीरीज है उसमें काफी ज्यादा अच्छा वेरिएंट ही माना गया है। तो यही थी हमारी सैमसंग गैलेक्सी J7 Pro के लिए छोटा सा रिव्यू, बट हम आपको आज बताने वाले हैं कि इसकी प्राइसिंग कैसे कैसी और अच्छी है, और ये आपको कहाँ मिल सकती है। प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको हमारी वेबसाइट पर बहुत ही अच्छे प्राइस में देखने को मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करते हैं यू विल लैंड अप टू आवर पेज विच लुक्स लाइक दिस,
यस, ऐसा कुछ हमारा पेज आपको दिखेगा अगर आप लिंक पे क्लिक करते हैं. एंड इफ यू डोंट वांट टू क्लिक ऑन द लिंक, आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं जिसका नाम है phonezone.ae. फिर यहाँ पर आपको टाइप करना है अपना फेवरेट ब्रांड, जैसे कि मैं ऑलरेडी कॉपी कर चुकी हूँ, एंड दैट इज सैमसंग गैलेक्सी J7 Pro. तो ये आपका ब्रांड है जिसको आपको सर्च करना है. ऑल यू हैव टू डू इज टाइप एंड देन क्लिक द सर्च बार हियर. तो जैसे ही आप सर्च बार पे क्लिक करेंगे, आपको एक अच्छा सा पेज वहाँ पे ओपन होगा जहाँ पे सैमसंग के बहुत सारे वेरियंट्स हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी. सो दैट इज एन अमेजिंग थिंग आउट है. साथ ही साथ कहा जा सकता है कि इसमें आपको बहुत सारे वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं. J7 की जो J सीरीज है, सैमसंग गैलेक्सी की J7 सीरीज प्रो है, उसमें आपको बहुत सारे वेरियंट्स देखने को मिलते हैं. तो आइए एक बार देख लेते हैं उसके वेरियंट्स कैसे कैसे हैं. तो सर्च बार पे क्लिक करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आया है, होम से हमने रिजल्ट लिया है, तो हमारे पास बहुत अच्छे वेरिएंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. बहुत सारे वेरिएंट्स हैं. सैमसंग गैलेक्सी का J7 32 GB गोल्ड, ये गोल्ड वर्जन जो है आया है. कह सकते हैं कि ये 32 GB और 64 GB हमें देखने को मिलता था, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है. बट मोस्टली यहाँ पे 32 GB इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, 64 GB बहुत कम लोगों के पास है. एंड ये करंटली इन स्टॉक वाले वेरियंट्स मैं आप सबके सामने प्लेस कर रही हूँ. इन सबके अगर प्राइसिंग देखेंगे तो दिराम 562 की प्राइसिंग है. ये दिराम 562 की प्राइसिंग है, दिस इज क्वाइट अ नाइस वेरिएंट आउट है. बहुत ही ज़्यादा अच्छी है प्राइसिंग है एज कम्पेयर टू अदर वेबसाइट्स, क्योंकि मार्केट के हिसाब से ये बेस्ट प्राइसिंग यहाँ पर आपको दी जा रही है. अभी क्यों दी जा रही है? ये इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये कंडीशन है इसकी, रिफर्बिश कंडीशन. ये रिफर्बिश कंडीशन यहाँ पर आपको दी जा रही है. आपको रिफर्बिश कंडीशन में फायदा क्या होता है? रिफर्बिश कंडीशन के अकॉर्डिंग आप सेव करते हैं अपने 15% सेवेंग्स. यस, आप सेव कर लेते हैं अराउंड 15% मनी फ्रॉम द मार्केट वैल्यू. अब ये कैसे कैसे आता है? ये होता है एक पैरामीटर. जी हाँ, इट्स कॉल्ड अ पैरामीटर, जहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं हर डिवाइस को कि वो मार्केट में वेबसाइट पे लाने लायक है या नहीं है, अब वो यूजेज करने के लायक है या नहीं है, सो दैट इट बिकम्स 100% न्यूली लाइक प्रोडक्ट. अब जब हम न्यूली लाइक प्रोडक्ट बोलते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है? इसमें आ जाता है इसका स्क्रीन टाइप, डिस्प्ले, बटन, बैटरी, कैमरा, इसकी टच स्क्रीन, एवरीथिंग विच इन्वॉल्व्स द एक्सटर्नल फीचर्स. दिस इज वन पैरामीटर. यस, ये एक पैरामीटर होता है जहाँ पे एक्सटर्नल फीचर्स को हम देखते हैं. नाउ कम्स टू द सेकेंड पैरामीटर. जब ये फर्स्ट पैरामीटर को क्रॉस कर लेता है, एक्सटर्नल फीचरिंग के टेस्ट को पास कर लेता है, तो इसमें आता है सेकेंडरी पैरामीटर विच इज द इंटरनल फीचर्स. अब इंटरनल फीचर्स में क्या क्या आ जाते हैं? उसकी डाटा वाइपिंग कैसी है, सिम रिकॉग्नाइजेशन कैसा है, इसमें कनेक्टिविटी कैसी है, इसमें जो कलराइजेशन है, OS है, इसका एंड्रॉयड है वो कैसे काम कर रहा है, इसमें जो इसका CPU है वो कैसे काम कर रहा है, इसकी बैटरी चार्ज हो चुकी है तो कैसे कैसे चार्जिंग दे रही है, उतना स्टैंड बाय दे रही है नहीं दे रही है, जो ओरिजिनली प्रोडक्ट में था, तो वो सब चीज़ें देखी जाती हैं. तो एवरीथिंग गोज राइट, जो उसकी ओरिजिनलिटी थी वो वापस रिस्टोर हो चुकी होती है, तो इसे वेबसाइट पे लॉन्च किया जाता है सो दैट इट कैन बी री यूज्ड अगेन. सो इट बिकम्स अ 100% जेन्युइनली न्यूली लाइक प्रोडक्ट. तो ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी यहाँ पर बात कही जा सकती है. साथ ही साथ इसमें आपको देखने को मिलता है अराउंड 6 months की वारंटी पीरियड. जी हाँ, 6 months की वारंटी पीरियड के साथ ही आता है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा वेरियंट यहाँ पे साबित हो जाता है. साथ में आपको देखने को मिलता है 7 days मनी बैक गारंटी एंड रिप्लेसमेंट गारंटी. यस, मनी बैक एंड रिप्लेसमेंट गारंटी विद सम कंडीशन अप्लाइड. तो ये एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर फीचरिंग है, या ये कह सकते हैं कि एक एडवांटेज है फॉर द रिफर्बिश्ड कंडीशंस. साथ ही साथ आपको मिलती है फ्री शिपिंग एंड COD की अवेलेबिलिटी. यस, दिस इज एन अमेजिंग फीचर आउट है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात ही कही जा सकती है. और अगर आपको किसी और मॉडल के बारे में जानना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं. साथ में हमारी एग्जीक्यूटिव हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाला है फॉर दी ऑर्डर प्लेसमेंट, वरना आप ऑनलाइन भी जाकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. और यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द लिंक एंड डायरेक्टली लैंड टू आवर पेज, या फिर आप गूगल पे जाके phonezone.ae कर सकते हैं. टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.